मैं अशोक अवस्थी, स्वागत है आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, समाज के हर वर्ग की समस्या की और समस्या के साथ उनके निस्तारण की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सिविल लाइन डिपार्टमेंटल के अध्यक्ष मीरा जायसवाल जी, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद किया। कोरोना काल में गरीबों से लेकर समाज के प्रति जागरूक अभियान चलाया और समस्या का समाधान किया। नीरज जी से मैं बात हमारी इसी कड़ी में नीरज जी जुड़ रहे हैं। मैं नीरज जी से स्वागत करता हूं अपने आईपा मंच में। सर्वप्रथम मैं आईपा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आज हम लोगों की बातों को अपने माध्यम से हमारे उच्च स्तरीय अधिकारियों को और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के पास हमारा संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रयागराज की धरती पर। वर्तमान में राजनीति का स्तर बहुत निम्न हो गया है। आजकल लोग अपने फायदे के लिए जाति धर्म और काफी चीजों में वोटों का बंटवारा करने में लगे हुए हैं, लेकिन आज का चुनाव जनता विकास चाहती है, जनता इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती है और व्यापारिक संगठन होने के नाते मैं व्यापारियों के हित के लिए चाहता हूं कि जो भी सरकार है वो व्यापारियों के प्रति कार्य करे, जनता के बीच में रहे, जनता की बातों को समझे और इस पैंडेमिक के समय को देखते हुए कुछ ऐसा कार्य को आगे बढ़ाए कि जिससे जनता को कोई परेशानी ना आए। और कोरोना काल का जो टीकाकरण हो रहा है मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि टीका के बिना आज के समय में और कोई उचित इलाज नहीं है और सरकार इस कार्य को थोड़ा अच्छा किए, इसलिए इसको कहने में हमें कोई गुर्रेज नहीं है कि सरकार ने टीकाकरण का कार्य अच्छा किया। राजनीति स्तर में अगर बदलाव की बात किया जाए तो कौन सा ऐसा बदलाव आप चाहेंगे कि बदलाव हो? राजनीति स्तर पे बदलाव की जरूरत बहुत है। आजकल जो पैरासूट से कैंडिडेट आ जाते हैं वो पैसा दे के टिकट ले लेते हैं और जनता के बीच में चुनाव के बाद भी नहीं जाते, 20 दिन चुनाव के बीच जनता के बीच में पैसा खर्च करके बने रहते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और उनको फिर 5 साल जनता से कोई मतलब नहीं रहता है और ना कोई कार्य करते हैं ना कोई विकास करते हैं, सिर्फ वो अपना पॉकेट देखते हैं। मैं चाहूंगा सारे दल से कि आप जिस कैंडिडेट को उतारे वो जनता के बीच का हो, 5 साल तक लगातार सेवा करता रहा हो और जनता के कार्यों को समझता हो और वो लोकल हो, जिससे कि उनकी बातों को उस विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के बारे में जानता हो, उस क्षेत्र में क्या कार्य हो सकता है उसके बारे में जानकारी हो। हम चाहेंगे लोकल कैंडिडेट दे और अच्छे कैंडिडेट दे, ईमानदार दे और कोई गुंडा लोगों को टिकट। अच्छा नीरज जी, ये हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक दल कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? देखिए लोकतांत्रिक दल तो कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लोकतांत्रिक दल हम उसी कहेंगे जो जनता के बीच में हो। जनता है तो लोकतांत्रिक है, जनता नहीं जनता के काम नहीं तो लोकतांत्रिक किस बात का? कोई भी अपने आप को लोकतांत्रिक कह के मैदान में आ जाए इसका मतलब थोड़ी वो लोकतांत्रिक हो जाएगा। जी हम चाहे लाख दावे करें, लेकिन चुनाव के मुद्दे स्थानीय नहीं रह पाते हैं। चुनाव किसी न किसी भावनात्मक मुद्दे पर हो जाता है, इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए तो मैं कहूंगा जनता दोषी है। जनता को आज के समय को देखते हुए आपके हित में जो कार्य कर रहा है, जो जाति को ना देख के आपको देख रहा हो और जो व्यापारियों को देख रहा हो, जो जनता का कार्य कर रहा हो और आप कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि लोगों को आपकी फायदा उठा ले। और आज का समय आ गया, इस 2 महीना आपका फायदा नेता उठाएंगे, इसलिए पैरासूट कैंडिडेट से बच के रहिए। आप उन्हीं को अपना वोट देके आगे बढ़ाइए जो आपके बीच में रहा हो, जो आपके 5 साल की सेवा किया हो और आगे आपके कार्य को कर सके। आरक्षण और धार्मिक मुद्दों पर सियासत, जो सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए, बहुत गंदा मानते हैं। आरक्षण आज के देश के लिए बहुत बड़ा कोड है और आरक्षण की वजह से जो पढ़े लिखे बेचारे नौकरी नहीं कर पा रहे, जो अनपढ़ जाहिल है वो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं लेकिन वो आरक्षण की वजह से नौकरी कर ले रहे हैं। मैं आरक्षण का विरोध करता हूँ। सब आरक्षण तब लागू हो जो न जातिवाद पे आरक्षण हो, गरीबी रेखा में जो हो उनके ऊपर आरक्षण लागू हो, जिनकी जरूरत हो उन पे आरक्षण दो, जो पढ़ ना सके आप उनको आरक्षण दो कि वो पढ़ाई में उनकी फीस की मदद हो सके, जिनको नौकरी
या आरक्षण देना मुझे नहीं समझ में आता, नौकरी उनको मिले जो उस लायक हो, जो उस चीज को समझ सके। आरक्षण का मैं टोटल विरोध करता हूँ। रहा सवाल धर्म की, तो धर्म की राजनीति तो आज के समय पे सारी पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन जनता को सोचना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि कौन धर्म के साथ है और कौन अधर्म के साथ है। धर्म की राजनीति पे विश्वास ना करके जनता के बीच का और जो जनता के बीच में हो उसको देखें। क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफी है या युवाओं को समाज के दृष्टि से लैस युक्त करना जरूरी है? युवा के बिना देश नहीं चल सकता। जिस ओर युवा चलता है उस ओर जनता चलती है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, कुछ सीनियर लोगों का रहना भी जरूरी है, लेकिन मेरा ये कहना है अगर आरक्षण देना हो तो आप युवा की कुछ सीटों पर आरक्षण दीजिए कि कुछ सीटों पर युवा चुनाव लड़े, जिससे कि जनता के बीच में रह सके और जनता के कार्य कर सके और युवा आगे बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा। बाकी समय आएगा। वैसे मुझे जो लगता है कि इस बार युवाओं का ज्यादा बोलबाला रहेगा और युवा ज्यादा इस बार हमारे लगता है कि विधानसभा में जाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ाने में आईपा जो कोशिश कर रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आईपा की कोशिश कामयाब होगी। आईपा हम लोगों के बीच में आकर हमारे लोगों को बातों को एक माध्यम देकर पहुंचा रहा है। मैं आईपा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हम लोगों की समस्याओं को, हम लोगों की मांग को, हम लोगों को कहां से कैसे अच्छी चीजें मिल सके उस बातों को वो पहुंचा रहा है। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नीरज जी, आईपा के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपका कोई सुझाव या कोई मार्गदर्शन? मैं पहले तो आईपा का धन्यवाद करता हूँ कि वो प्रयागराज में आकर इस अभियान को चला रहे। मैं आईपा को एक ये भी कहूंगा, कुछ समस्याएं हैं जो व्यापारिक संगठनों की है, थोड़ा सा जीएसटी को लेकर और भी बड़ी कई समस्याएं हैं जिसको आपको हमारा प्लेटफॉर्म लेके व्यापारिक संगठनों से मीटिंग करके ऊपर पहुंचाएं तो बहुत अच्छा होगा। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईपा के इस अभियान से जुड़ने के लिए, आपके सुझाव के लिए। अगर आपको इस अभियान का हिस्सा बनना हो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और हमको सुझाव देने की कोशिश करें।